अल्लाह माई डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मोहम्मद रहील साबर योर बायलॉजी ट्यूटर फॉर ग्रेड ट्वेल्व सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड चेन और फूड वेब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है सो so, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फूड चेन क्या होती है और फिर यह भी डिस्कस करेंगे कि अगर बेशुमार फूड चीज इकट्ठी हो जाए तो फूड वेब बनता है तो वो क्या होता है आखिर क्या वजह है फूड वेब बनने की आखिर क्या वजह है कि फूड वेब बहुत ज़्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट जनरेट करता है इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ बिस्मिल्लाह रक्मान रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड चेन एंड फूड वेब अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन के बारे में हम कह सकते हैं Basically, an interaction among living organisms on the base of इटिंग फूड फूड की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को उस एंट्रैक्शन को हम फूड चेन कहते हैं याद रखिएगा फूड चेन हमारे पास हमेशा एक लीनियर ऑर्डर है इट्स द लीनियर ऑर्डर बाय विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ऐसा लीनियर रिलेशन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन रिलेशन जिसके दौरान एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाए फ़ूड को ट्रांसफ़र किया जाए न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र किया जाए फ़ूड चेन कहलाता है अब इस फूड चेन के अंदर याद रखिएगा हम बात करते हैं कि हमारे इन्वामेंट में कम्यूनिटीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज़म्स हैं जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म्स हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान हम हमेशा कहते हैं कि बेशुमार बेशुमारंट्रैक्शनस हैं अगर वो इंट्रैक्शनस ऑन द बेस ऑफ फ़ूड है तो वो हमारे पास फूड चेन का मैकेनिज्म कहलाता है आइए जरा फूड चेन को हम समझने की कोशिश करते हैं सपोज कीजिए मेरे पास यहां पर ग्रास है। so, we have grass here, so grass. अब ग्रास पे फीड करने के लिए मैं कहता हूं जी सपोज कर लीजिए यहां पे एक एनिमल आ गया जिसे हम बोलते हैं ग्रास होपर अब सपोज कर लीजिए इसको फीड करने के लिए इसके ऊपर आ गया एक एनिमल जो के है रैट और रैट पे फीड करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म आ गया सपोज कर लीजिए जो के है स्नेक तो ये मेरे पास एक लीनियर ऑर्डर है एक लीनियर रिलेशन है अब इसमें हर लेवल हर लेवल इंडिविजुअल का जो होगा ईच लेवल ईच लेवल इन फूड चेन याद रखिएगा उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज trophic level so each level which is occupied by a specific organism in the food chain is called as trophic level up agar hum baat kerein, grass ki, so it will be at t1 first trophic level agar hum baat kare grass ho ki, so it will be at t2 second trophic level rat ki baat kerein, it will be at T3, third trophic level and the last one is T4. तो हमारे पास यहां पे चार ट्रॉफिक लेवल बनते हैं याद रखिएगा एक सिंपल जब हम बात करते हैं फूड चेन की सो मैक्सिमम हमारे पास जो ट्रॉफिक लेवल होंगे वो होंगे फोर फाइव चार से पांच के दरमियान ट्रॉफिक लेवल होते हैं इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते और याद रखिएगा जितने ज्यादा बड़े ट्रॉफिक लेवल होंगे जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे उतनी एनर्जी कम आगे ट्रांसफर होगी ठीक है जी सो लार्जर नंबर ट्रॉफिक लेवल या आप ये बोल लीजिए लार्जर द फूड चेन इट लीड्स टू लो एनर्जी ट्रांसमिशन जितना फूड चेन बड़ी होगी जितनी फूड चेन बड़ी होगी उतनी एनर्जी कम जो है वो आगे ट्रांसफर हो रही होगी अब अगर हम बात करें इससे ऑनवर्ड अगर इकोसिस्टम के अंदर चलें, तो जो मैंने एक सिंपल सा यहां पे मैकेनिज्म लिखा है या एक लीनियर ऑर्डर लिखा है हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता मैंने कहा ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया ग्रास ऊपर को रैड ने खाया तो ज़रूरी नहीं है रैड ग्रास ऊपर को ही खाए ऐसा भी हो सकता है इसके पास कोई और फूड का सोर्स हो ये किसी और फूड पर डिपेंड कर रहा हो ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास जो सांप है ये रैड के अलावा सपोज़ कर लीजिए किसी और चीज़ को खा रहा है मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ कर लीजिए ये हमारे पास जो है वो फ्रॉग को खा रहा है तो इसके पास बेशुमार फूड के और भी क्या होंगे Resources होंगे क्योंकि एक के अंदर बेशुमार हैं. So एक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं कर रहा होता वो मल्टीपल टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फॉर फूड फॉर देर सर्वाइवल क्योंकि फूड का मतलब सर्वाइवल है फूड होगा तो सरवाइव होगा तो इस तरह जब मल्टीपल हमारे पास जो है वो फूड के रिसोर्सिस होते हैं तो तब हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं फूड वेब फूड वेब के बारे में कहा जाता है इट्स दी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फूड चें बेशुमार फूड चेंज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं जब बेशुमार हमारे पास फूड चेन्स इन्वॉल्व हो जाए सो so, यहां पे हमारे पास मेन काज क्या है बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म always depends upon multiple food resources क्योंकि हमेशा एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इकोसिस्टम में अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए बेशुमार फूड रिसोर्सिस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आइए ज़रा फूड वेब को समझने की कोशिश करते हैं ये मैंने आपके सामने एक फूड वेब सिंपल सा स्केच किया है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें मेरे पास ये जो क्रास है प्रोड्यूसर ये मेरे पास टी वन है और इसे हम हमेशा बोलते हैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ये जो मेरे पास रैट है सो ग्रास को कौन खा रहा है रैट ये मेरे पास होगा टी टू और इसे मैं बोलूंगा प्राइमरी कंज्यूमर और इसको आगे जो है वो फीड कर रहा है ऑल सो इट विल बी एट टी थ्री स्टेज और इसे मैं बोलूंगा सेकेंडरी कंज्यूमर और इसको आगे फीड कर रहा है डॉग सो इट विल बी एट टी फोर स्टेज और इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे टर्शरी कंज्यूमर इसी तरह अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ तो ग्रासेस के ऊपर फीड कर रहा है रैबिट सो इट विल बी एट टी टू स्टेज तो अब ये मेरे पास क्या होगा प्राइमरी कंज्यूमर और जब रैबिट को फीड कर रहा है डॉग देन डॉग विल बिकम सेकेंडरी कंज्यूमर और वो हो जाएगा एट टी थ्री स्टेज थर्ड ट्रॉफिक लेवल इसी तरह जब हम बात करते हैं ग्रास को जो है वो फीड कर रहा है बीटल सो बीटल विल बी एट टी टू स्टेज और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर तो इस तरह जब हम बात करेंगे कि बीटल के ऊपर फीड कर रहा है आउल तो तब ये टी थ्री पे आ गया और जब हम बात कर रहे हैं रैबिट के ऊपर फीड कर रहा है फॉक्स तो ये भी टी थ्री पे आ गया तो इस तरह हमारे पास ये जो एक वेब सा बन रहा है दिस वन इज कंसीडर्ड एज फूड वेब अब इसमें आप गौर कीजिए कि रैबिट के ऊपर आउल भी फीड कर रहा है डॉग भी फीड कर रहा है और फॉक्स भी क्या कर रहा है फीड कर रहा है अगर हमारे पास मैं कहता हूं सपोज कर लीजिए ग्रास बहुत ज़्यादा मकदार में होगी तो इसके ऊपर जो है वो पलने वाले रैट्स भी ज़्यादा होंगे आउल भी ज़्यादा होंगे या इधर आ जाइए मैं कहता हूँ सपोज़ कर लीजिए अगर ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं तो रैबिट्स बहुत ज़्यादा होंगे और अगर रैबिट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो आउल भी बहुत ज़्यादा होंगे हमारे पास डॉग्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और फॉक्स भी बहुत ज़्यादा होगा इसी तरह अगर मैं कहता हूँ सपोज़ कर लीजिए मेरे पास रैड किसी बीमारी की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आउल मर जाएगा बल्कि उसके पास आल्टरनेटिव जो है वो फूड के रिसोर्स अवेलेबल हैं वो बीटल पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा है वो रैबिट पे भी डिपेंड कर रहा है तब ये क्या करेगा तब ये कोशिश करेगा रैबिट को जो है वो एज ए फूड यूज़ करना शुरू कर दे या ये कोशिश करेगा बीटल को एज ए फूड क्या करना शुरू कर दे यूज़ करना शुरू कर दे तो यहाँ पर अगर हम बात करें फूड वैब के अंदर सो मोर इजी सो मोर इजी फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव एक इंडिविजुअल के लिए सर्वाइव करना ज्यादा आसान हो जाता है इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास स्टेबल मैकेनिज्म है हाईली स्टेबल जहां ऑर्गेनिजम्स के लिए सर्वाइव करना जो है वो ज्यादा इजी होता है क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव फूड के रिसोर्सिस होते हैं अब जब हम बात कर रहे थे ग्रास से रैबिट, रैबिट से डॉग तो ये एक अलग फूड चेन थी जब हम बात कर रहे हैं ग्रास से रैबिट रैबिट से आउल ओउल से डॉग तो ये एक अलग फूड चेन है जब हम बात कर रहे हैं ग्रास से रैबिट रैबिट से फॉक्स तो ये एक अलग फूड चेन है जब हम बात कर रहे हैं ग्रास से रैट रैट से आउल तो ये एक अलग फूड चेन है तो ये मल्टीपल्स हमारे पास फूड चेन्स हैं तो जब मल्टीपल फूड चेन्स हैं तो यही हमने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि जब हमारे पास मल्टीपल फूड चेन्स होती हैं तब हमारे पास क्या बनता है फूड वेब बनता है तो इकोसिस्टम के अंदर कभी भी फूड चेन डिवेलप नहीं होती बल्कि फूड वेब डिवेलप हो रहा होता है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है और वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि वो वहाँ पे सरवाइव करे अब जब हम बात कर रहे हैं इस फूड चेन की ग्रास से रैबिट रैबिट से डॉग तो पहला लेवल हमेशा किसका है ग्रास का और जब हम बात कर रहे हैं ग्रास से रैबिट रैबिट से फॉक्स तब पहला लेवल किसका है ग्रास का ग्रास से बीटल बीटल से आउल आउल से डॉग वंस गेन लेवल किसका है हमारे पास पहला ग्रास का तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जब भी कोई फूड चेन डिस्कस करेंगे हमेशा प्रोड्यूसर ऑलवेज प्रोड्यूसर्स ऑलवेज एट टी वन स्टेज फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो हमेशा जो है वो प्रोड्यूसर्स होंगे हमेशा यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ईज फूड चेन ईज और एवरी फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स तो हमेशा फूड चेन जो है वो कहाँ से शुरू होती है प्रोड्यूसर से क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनर्जी का मेन रेजरवायर है जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं और उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है सो so इस तरह हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया अगर हम इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस को देखें तो ये लेक्चर हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको प्रिपेयर करना है हाँ ऑब्जेक्टिव के भी पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं मिसाल के तौर पे एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है ये आपको मालूम होना चाहिए इसके अलावा फूड चेन की डेफिनेशन या फूड वेब की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है कि ट्राफिक लेवल आलवेज स्टार्ट फूड चेन आलवेज स्टार्ट फ्रॉम तो वो हमेशा क्या होगा प्रोड्यूसर होगा होप सो आपको समझ आया होगा अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी अल्लाह हाफिज़